हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीसी ने जो आदेश दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसके बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिससे यूक्रेन जिसे लेकर बहुत खुश नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या अब इस फैसले पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा या सचमुच में व्लादिमीर पुतिन जो है वो अरेस्ट किए जाएंगे? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होना रूस के आक्रमण पर न्याय बहाल करने की दिशा में शुरुआती कदम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से यह पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के जजों ने यूक्रेन के मामले में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मामले में कहा कि पुतिन के खिलाफ आईसीसी का वारंट अभी सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आईसीसी के इस फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करना सिर्फ एक शुरुआती कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला रूस के आक्रमण पर न्याय बहाल करने की दिशा में पहला कदम है। इस मामले में क्रिमिनल प्रवक्ता की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुतिन की गिरफ्तारी वारंट अपमानजनक और अस्वीकार है। आईसीसी का फैसले कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना जब यूक्रेन पहुंची थी तो सभी ने अंदाजा लगाया था कि यूक्रेन जल्द ही रूस के सामने घुटने टेक देगा, मगर अभी तक ऐसा होता दिखा नहीं है। उल्टा यूक्रेन मजबूती से मोर्चे पर डटा है। ऐसे में अब सवाल रूस और पुतिन को लेकर उठने लगे हैं। कई एक्सपर्ट्स रूस के बिखरने और पुतिन के पतन की आशंका जता रहे हैं। रूस के एक पूर्व डिप्लोमेट बोरिस बोंडारेव ने कहा कि अगर पुतिन अपनी शर्तों पर यह युद्ध जीत पाने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ने को मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले साल यूक्रेन पर जब रूस के हमले के बाद सार्वजनिक तौर पर बोंडारेव ने पद से इस्तीफा दे दिया था, वह जिनेवा में रूस के राजनयिक मिशन में आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुतिन कोई सुपर हीरो नहीं है, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। पुतिन एक साधारण तानाशाह है जिन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। चीन ने हाल ही में मुस्लिम दुनिया के दो बड़े देशों ईरान और सऊदी अरब के बीच सालों की दुश्मनी खत्म कराई। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साल फरवरी के अंत से चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए अहम कूटनीतिक पहल करने जा रहे हैं। दोस्तों, शी जिनपिंग दो दिनों की रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया को ब्रिक्ट होकर इंतजार है। दरअसल यूक्रेन जंग भले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षाओं की जंग हो, लेकिन इसमें भारत समेत पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।